मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में सबसे पहले तारीख की एग्जेम्पलरी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नंबर टू, इसमें एक चीज अब बताऊं, एक मोजे से 33,000 कैनाल जमीन रिकवर की गई, अनप्रेसिडेंटेड। ग्रीन बेल्ट्स पे जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो मिसाल थी और अप्लॉड किया सबने। फिर इसके बाद कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी आईएनजीओज के लिए, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। 18 आईएनजीओज पूरी कोशिश की, हमने उनसे ये कहा कि कंप्लायंस, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, जिस तरह हमें ट्रीट किया जाता है आप भी, अब वो वाला ये पाकिस्तान नहीं। इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए आपके पास वो दिल गुर्दा चाहिए कि आप अपने मुल्क की इज्जत बनाने के लिए वो डिसीजंस लें जो कि महज़ब कौमें लेती हैं। थर्ड चीज, न्यू वीजा रिजीम, 173 मोर देन 170 कंट्रीज ऑनलाइन वीजाज, जो पॉलिसी बिजनेस वीजा 66 to 99, 50 कंट्रीज ऑन अराइवल वीजा। ये अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट थी जिसका टूरिज्म के हवाले से, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के हवाले से बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। अनदर एरिया, लेट नाइट रेड दैट पुलिस स्टेशन, कश्मीर कमेटी एक प्लान डिसाइड कर रही है कि ग्लोबल फोरम्स पे कश्मीर कॉज के लिए हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट फोरम्स, चाहे वो सिविल सोसाइटी के फोरम्स हैं, ह्यूमन राइट्स के फोरम्स हैं, IPU लेवल के जितने फोरम्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, उनको एंगेज करना कश्मीर कमेटी की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब कमिटेड है, एंटायर टीम इज कमिटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट लेट मी अश्योर द एंटायर नेशन, हम कमिटेड हैं एंड इंशाल्लाह वी विल सक्सीड, एंड कश्मीर इंशाल्लाह एक ऐसी एग्जाम्पल आने वाली नस्लों के लिए बनेगा जिस पर आने वाली कौमें फख्र करेंगी। थैंक यू।